मॉस्को से गोवा जा रहे विमान की जामनगर में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में मिली थी बम होने की सूचना, गोवा एटीसी को आया था ईमेल। विमान में 200 से ज्यादा यात्री थे सवार, सभी को बाहर निकालकर तलाशी। गुजरात एटीएस और बम स्क्वाड ने घंटों की विमान और यात्रियों की तलाशी। एनएसजी ने भी पूरे विमान की ली विधिवत तलाशी, कुछ नहीं मिला। रात 9:49 पर कराई गई अजूर एयर के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। जामनगर एयरपोर्ट के लाउंज में रात भर रुके रहे यात्री, मेहमानों का रखा गया ख्याल। जामनगर एयरबेस पर लैंडिंग के लिए पायलट को करनी पड़ी मशक्कत। जामनगर में लैंडिंग के बाद भी गोवा में रहा अलर्ट, एयरपोर्ट पर दिखी सख्ती। जामनगर एयरपोर्ट के बाहर भी बढ़ा दी गई थी सुरक्षा। जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट, सीएम धामी ने एनडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट और डीजीपी के साथ की बड़ी बैठक, विशेषज्ञों ने सौंपी रिपोर्ट। आज तक से बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, व्यक्तिगत रूप से पीएम पूरे मामले पर बनाए हुए हैं नजर, पुनर्वास को लेकर भी पीएम ने की बात। जोशीमठ मामले को कांग्रेस ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की कही बात। जोशीमठ में स्थानीय प्रशासन पर फूटा लोगों का गुस्सा, घर सील करने पर विरोध प्रदर्शन, डीएम की गाड़ी को रोका। जोशीमठ में घरों सड़कों में आई दरारों को लेकर उमा भारती ने बिजली उत्पादक कंपनियों पर साधा निशाना, कहा पावर माफिया देश को दैत्य की तरह निगल रहा। जबरन धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा लालच या धमकी से धर्मांतरण गंभीर मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में अब 7 फरवरी को जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर होगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा यह 1-2 राज्य का मसला नहीं, देश का मसला। दिल्ली के कंझावला मामले में अदालत का फैसला, सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। कंझावला केस में पुलिस को फटकार, कोर्ट ने पूछा क्यों नहीं जुटा पाए सीसीटीवी फुटेज। बिहार में जहरीली शराब त्रासदी के लिए एसआईटी की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा। छपरा से पटना जाने के दौरान सीएम नीतीश कुमार को युवकों ने दिखाए काले झंडे, हुंकार दल के नेता ने समाधान यात्रा का किया विरोध। छपरा में समाधान यात्रा के दौरान अपने ही नेता सुधाकर सिंह पर बरसे तेजस्वी, कहा उनके बयान बीजेपी की नीतियों का समर्थन करने वाले किसी भी हाल में स्वीकार्य योग्य नहीं। अभिनेत्री तनीषा शर्मा मौत मामले में शीजान की बड़ी मुश्किलें, जमानत अर्जी पर अब 11 जनवरी को सुनवाई। शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने चला धर्म का कार्ड, कहा धर्म की वजह से हुई गिरफ्तारी। तनीषा मामले में गिरफ्तार शीजान के वकील की नए पैंतरेबाजी, मौत से 15 मिनट पहले अली नाम के शख्स से मृतका की बातचीत का दावा। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ देगी ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग, पुंछ और राजौरी की जघन्य हत्याकांड के बाद उठाया गया कदम। आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े अर्शदीप सिंह गिल को आतंकवादी किया गया घोषित, यूएपीए के तहत पंजाब के मोगा के रहने वाले अर्शदीप पर गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, आज दुनिया भारत की सुनती है आवाज, G20 की मेजबानी से बढ़ा हिन्दुस्तान का मान। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासियों को बताया राष्ट्रदूत, कहा आप कहीं भी रहें भारत को अपने दिल में रखते हैं। पीएम मोदी ने इंदौर वासियों की मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की, कहा कहने को इंदौर एक शहर है, मेरे लिए इंदौर एक दौर है। पंजाब पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, श्रीनगर की ओर हुई रवाना। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, भारत जोड़ो यात्रा को क्रांतिकारी बताया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला शरद पवार का साथ, राहुल गांधी की जमकर की तारीफ, बोले विपक्ष को एकजुट करने में मददगार होगी यात्रा। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संभाला अपना कार्यभार, पदभार संभालने से पहले किया पूजा पाठ।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गहलोत सरकार पर निशाना, राजस्थान में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा गिरती कानून व्यवस्था से पर्यटन निवेश प्रभावित। मध्य प्रदेश के भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में हुए शामिल। भोपाल में करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अत्याचार अधिनियम के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एनएसयूआई ने किया भारत का संविधान विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के कैंप में लगाई प्रदर्शनी। चेन्नई में अन्ना द्रमुक मुख्यालय में विधायकों की हुई बैठक, अंतरिम महासचिव इडपादी के पलानी स्वामी ने की बैठक की अध्यक्षता। तमिलनाडु के रामेश्वरम में केलकरई समुद्र तट पर समुद्र में लापता कुछ मछुआरे, खोज और बचाव अभियान जारी। हैदराबाद में सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों को बांटे कंप्यूटर, छात्रों को दी कंप्यूटर लैब। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जताई 2026 में राज्य चुनाव लड़ने में दिलचस्पी, कैथोलिकोस और मलंकारा मेट्रोपॉलिटन से मिलने के बाद की मीडिया से बातचीत। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत का लगा जनता दरबार, सीएम गहलोत ने किया लोगों को संबोधित। हैदराबाद में पुलिस भर्ती में अनियमितता के खिलाफ छात्रों का उग्र प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के बीच देखने को मिला अवैध अतिक्रमण, हिंदू संगठनों ने भी अवैध रिलीजियस स्ट्रक्चर को हटाने की मांग कर डीआरएम को सौंपा ज्ञापन। झारखंड के कोडरमा में 30 से 35 लोगों पर हिंदू से ईसाई धर्म मानने का आरोप, परिजनों ने कहा धर्म नहीं मन परिवर्तन किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुआ कटक आयुक्तालय पुलिस का 15वां स्थापना दिवस, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लिया स्थापना समारोह में भाग। उत्तराखंड के रामनगर में हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कही हिंदुओं की सुरक्षा की बात, कहा कि खतरे में है हिंदुस्तान का हिंदू। केरल के तिरुवनंतपुरम में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ 13वीं वार्षिक हुई बैठक, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने समापन समारोह का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 की जोरदार शुरुआत, सीएम शिवराज ने प्रवासी भारतीयों से की बातचीत। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हुए शामिल। सम्मेलन में दोनों ने विजन @2047 पर दूसरे पूर्ण सत्र की अध्यक्षता की। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सतत विकास पर क्षेत्रीय कार्यशाला का किया उद्घाटन। चेन्नई में कल्याण योजनाओं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर लगी प्रदर्शनी, फोटो प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने किया उद्घाटन। दिल्ली में अगले 48 घंटे तक मौसम का रेड अलर्ट जारी, सरकार ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की रिमीडियल क्लासेस की बंद। उधम सिंह नगर में लगातार पड़ रही ठंड से मचा हाहाकार, छाया घना कोहरा। सीकर में तेज सर्दी से लोगों को बिल्कुल नहीं राहत, कड़कड़ाती ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। कानपुर में छाया घना कोहरा, शीतलहर से जमा पूरा शहर ठिठुरे लोग। फरुखाबाद में घने कोहरे के चलते बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, दो की मौत। गंगानगर में कोहरे की वजह से कार नहर में गिरी, 3 किसानों की मौत। मानेर में बर्फीली हवाओं से ठिठुरे लोग, मजदूरों को हो रही परेशानी, सड़क पर नहीं दिख रही सरकारी अलाव की व्यवस्था। रोहतक कपारा शिमला से भी हुआ कम, तापमान 1 डिग्री से नीचे पहुंचा, बढ़ी गलन। चंडीगढ़ में कोहरे का प्रकोप जारी, विजिबिलिटी हुई काफी कम, आवाजाही बाधित। जयपुर में कड़कड़ाती ठंड के बीच खिली धूप, घरों के बाहर निकलकर लोग धूप का उठा रहे लुत्फ। रांची में एक सनकी पति ने की धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पटना में एक कम्युनिटी हॉल में लगी आग, 6 दमकल की गाड़ियां आग को काबू पाने में लगी। मुंबई के कुर्ला नगर में 2 अज्ञात लोगों ने की एक सरकारी ठेकेदार पर फायरिंग, मामले की जांच जारी। होशियारपुर में युवक ने की एक लड़की की हत्या, आरोपी लड़के ने खुद को मारी गोली। राजस्थान के भीलवाड़ा में कोरियर कंपनी में दिन दहाड़े लूट, 3 नकाबपोश बदमाश 20 लाख लूटकर हुए फरार, 1 गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में ट्रक और ऑटो के बीच टक्कर, सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत।
गाजियाबाद में पुलिस पूछताछ के बाद ऑटो चालक की हार्ट अटैक से मौत, परिजनों और अन्य लोगों ने किया जमकर विरोध। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्कूल बस और ट्रक के बीच टक्कर, बच्चों सहित 15 लोग घायल। बरेली में नैनीताल फोरलेन पर 3 बाइकों पर 14 युवकों ने दिखाया स्टंट, पुलिस ने की पकड़ने की कोशिश तो युवक हुए फरार, मामले का वीडियो वायरल। बिहार के मधुबनी में बदमाशों ने की 40 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, प्रेम प्रसंग की वजह से दिया घटना को अंजाम। मध्य प्रदेश के खरगोन में असामाजिक का व्यक्ति ने एक धार्मिक स्थल पर मूर्तियों को किया क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों ने की आरोपी को शीघ्र पकड़ने की मांग। चित्रकूट में डकैत सरगना, ददुआ गैंग के मास्टरमाइंड ने किया आत्मसमर्पण, 14 साल 11 महीने बाद हुआ रिहा। बरेली में कोहरे की आड़ में हुए अपराधी सक्रिय, पुलिस अधिकारियों ने चलाया पैदल गश्त, वाहन चेकिंग अभियान। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, घने कोहरे के बावजूद आग ने लिया विकराल रूप। यूपी के बाराबंकी में पेठे से जहर मिलाकर खाने से 2 चचेरी बहनों की हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। अमरावती में क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 10 लाख का गांजा भी किया बरामद। भारत श्रीलंका के बीच आज से शुरू होगी वनडे सीरीज, रोहित शर्मा की अगुवाई में उतरेगी टीम इंडिया। गुवाहाटी में खेला जाएगा पहला वनडे मैच, दोपहर 1:30 बजे से मुकाबला। मैच से पहले टीम इंडिया का झटका, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बाहर। पहले मैच के संभावित प्लेइंग 11 में ईशान किशन और केएल राहुल का भी नाम। टी20 सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद, वनडे में भी परचम लहराने उतरेगी टीम।